हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 6 अप्रैल को आपका NHPC का एग्ज़ाम है। सो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर वहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टाइम मैनेजमेंट। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करें अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। उन क्वेश्चन पर अपना ज़्यादा समय वेस्ट ना करें और मैक्सिमम पार्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें तो अपना कभी भी पेशेंस लूज ना करें। ऐसे बहुत टाइम होते हैं कि 2-4-5 क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हुआ और हम अपना पेशेंस लूज कर देते हैं और नेगेटिव कर बैठते हैं। तो अपने को ये बिल्कुल ही नहीं करना है, पेशेंस लूज नहीं करना है। यू आर गोइंग टू गेट सेलेक्टेड। एग्ज़ाम से एक दिन पहले बिल्कुल भी आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से पूरी नींद लीजिए, जिससे कि बिल्कुल एक फ्रेश माइंड के साथ में आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकें। और जैसा कि अब एग्ज़ाम का टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो कोई नए चीज़ सीखने की कोशिश ना करें अभी फिलहाल, क्योंकि क्या होगा कि नए चीज़ के चक्कर में जो हमें आता है उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा। तो फोकस उसी पे करना है जो कि आप पढ़ चुके हैं। इसी के साथ जब आप 6 अप्रैल को एग्ज़ाम देकर आएंगे, 12:15 पे फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं और 5:15 पे सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम लोग सॉल्व करवाने वाले हैं। आप सभी लोगों को NHPC एग्जाम के लिए इंजीनियर्स अकेडमी और निम्बस लर्निंग की पूरी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट फॉर योर NHPC एग्जाम। ऑल द बेस्ट। 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 If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.